morning, dear student. Today we will start worksheet first. Okay? आज से हम आपकी worksheet करवा रहे हैं. देखिए यहाँ पे लिखा है worksheet number one. Worksheet है ये. और यहाँ से start करेंगे. Fill in the blanks using word given in the word box. इसका मतलब है कि ये जो खाली स्थान है उनको भरिए और यूजिंग वर्ड्स गिवन इन द वर्ड बॉक्स. यहाँ पे एक वर्ड बॉक्स बना रहेगा आपका एग्जाम में. बॉक्स रहेगा और उसमें ये सारे रहेंगे, तो आपको चूज करके उनमें लिखना होगा. ओके, जो फिल करने हैं तो वहां से करेंगे आप. जो यहाँ पे बॉक्स रहेगा उसमें ये सारे लिखे रहेंगे. ओके, हमने नहीं लिखे क्योंकि हमने फिल कर दिए, इसलिए हमने लिखे. चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट है we cannot live without eating food. We means होता है हम cannot नहीं रह सकते, live मतलब जीवित, without eating food बिना खाने के हम जीवित नहीं रह सकते. ओके, अगर हम खाना नहीं खाते, food means होता है भोजन, eating मतलब खाना होता है, और बिना इसके without मतलब बिना, तो we cannot live without eating food. इसका मतलब है कि हम बिना खाना खाए जीवित नहीं रह सकते. ओके, सेकंड है वी शुड नॉट ईट जंक फूड. इसका मतलब क्या हुआ, वी मतलब हम, शुड मतलब चाहिए, नॉट नहीं चाहिए, ईट खाना, जंक फूड मतलब जो जंक फूड होता है उसको नहीं खाना चाहिए. क्यों नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है ना, इसलिए we should not eat junk food. ओके, हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए. थर्ड है clothes protect us from heat and cold. इसका मतलब है clothes कपड़े जो होते हैं वो हमको protect करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, तो हम हमें सुरक्षा देते हैं us from heat and cold. कोल्ड और कोल्ड मीन्स क्या होता है, ठंडा होता है, हीट मीन्स गर्म होता है, तो कपड़े जो होते हैं वो हमें ठंड और गर्मी से बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं. ओके, नेक्स्ट है ऊन कम्स फ्रॉम शिप. ऊन मीन्स होता है ऊन, कम्स मतलब आता है फ्रॉम से शिप, तो ऊन कहाँ से आता है, शिप से आता है, शिप मीन्स भेड़ होता है, तो जो ऊन होता है, ऊन मीन्स ऊन, ऊन जो होता है हमें सिप से मिलता है, इसका मतलब है ऊन कम्स फ्रॉम से, इसका मतलब है ऊन सिप से मिलता है, यह ऊन सिप से आता है. ओके, फिफ्थ है कॉटन क्लोथ कीप अस कूल ड्यूरिंग समर्स. इसका मतलब है कॉटन क्लोज, कॉटन क्लोज मतलब कॉटन मतलब क्या होता है, सूती होता है, सूती कपड़े, क्लोज में कपड़े कीप रखते हैं आज हमें कूल ठंडे ड्यूरिंग समर. समर्स में गर्मियों में, समर में गर्मी होता है, तो गर्मियों में हमें कॉटन के क्लोज होते हैं वो हमको कूल रखते हैं, कूल में ठंडा है ना, इसलिए हम गर्मियों में कैसे कपड़े पहनते हैं, कॉटन क्लोज पहनते हैं. नेक्स्ट है पुलिस मैन, पुलिसमैन पहनना यूनिफॉर्म. जो पुलिसमैन होते हैं वो क्या पहनते हैं, यूनिफॉर्म पहनते हैं. यूनिफॉर्म मतलब ड्रेस होती है उनकी, वर्दी जिसको बोलते हैं, है ना, यूनिफॉर्म जैसे आप स्कूल की यूनिफॉर्म पहनते हैं, सब एक जैसे ही पहनते हैं, ऐसा नहीं कि कोई अलग पहन रहा कोई अलग, उसी को यूनिफॉर्म बोलते हैं. ठीक है, वर्दी भी बोल सकते हैं. अब पुलिसमैन वेयर अ यूनिफॉर्म. ओके, नेक्स्ट है यू शुड फॉलो गुड टेबल मैनर्स. आपको यू शुड मतलब आपको चाहिए फॉलो करना, मानना गुड टेबल मैनर्स. गुड टेबल मैनर्स मतलब जो खाते समय हमें कैसा कैसा करना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, उसको टेबल मैनर्स बोलते हैं. ठीक है, गुड मतलब अच्छा, टेबल मैनर्स हमको फॉलो करना चाहिए. जब हम खाना खाते हैं हमको गुड टेबल मैनर्स फॉलो करना चाहिए. ओके,
जैसे कि खाने से पहले हैंड वॉश करना है ना, ये गुड टेबल मैनर्स है। नेक्स्ट है यू शुड वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग फूड। आपको यू मतलब आपको शुड चाहिए वॉश होना योर हैंड्स अपने हाथ बिफोर ईटिंग फूड, खाने से पहले आपको अपने हाथ धोने चाहिए है ना। नेक्स्ट है यू शुड हेल्प योर मदर इन द किचन। आपको क्या करना चाहिए, यू शुड मतलब आपको किचन में करना चाहिए, हेल्प मतलब मदद करनी चाहिए, योर मदर मतलब आपकी मम्मी की इन द किचन, किचन में आपको अपनी मम्मी क्या करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। ओके, और हेल्प मतलब क्या होता है, उनकी मदद करनी चाहिए आपको। नेक्स्ट है यू ब्रश योर टीथ इन द बाथरूम। आप अपना ब्रश कहाँ करते हो, इन द बाथरूम में है ना, जहाँ ब्रश रहेगा वहाँ बाथरूम आएगा। तो बस इस तरह से आपको बार बार रीड करके इसको लर्न करना है। तो एक बार मैं फिर से करवा देती हूँ आपको। आप यहाँ समझ लीजिए, लिखने के लिए हम आपको वर्कशीट भेज देंगे, आप वहां से कर सकते हैं। ओके, आप यहाँ पर समझ लीजिए, वी कैन नॉट लिव विदाउट ईटिंग फूड, हम बिना खाना खाए जीवित नहीं रह सकते। ओके, वी शुड नॉट ईट जंक फूड, हमको जंक फूड नहीं खाना चाहिए। ओके, थर्ड है क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट एंड कोल्ड। क्लोथ्स होते हैं कपड़े, हमको ठंड और गर्मी से बचाते हैं। फोर है ऊल कम्स फ्रॉम सिप, ऊन जो है वो सिप से आता है, सिप से प्राप्त होता है। ठीक है, सिप सिप में फेर से। फिफ्थ है कॉटन क्लोथ्स कीप अस कूल ड्यूरिंग समर्स। कॉटन क्लोथ्स जो होते हैं वो हमें समर्स में कूल रखते हैं, मतलब ठंडा रखते हैं। नेक्स्ट है पुलिसमैन वेयर्स अ यूनिफॉर्म। अब पुलिसमैन मतलब ये जो पुलिसमैन होते हैं वेयर्स का पहनना होता है, यूनिफॉर्म पहनते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म मतलब वर्दी। यू शुड फॉलो गुड टेबल मैनर्स, आपको अच्छी टेबल मैनर्स को फॉलो करना चाहिए है ना, उसको अपनाना चाहिए। You should wash your hands before eating food. आपको खाने से पहले अपने हैंड वॉश करना चाहिए। You should help your mother in the kitchen. आपको अपनी मम्मी की हेल्प करनी चाहिए किचन में। ओके? You brush your teeth in the bathroom. आप अपना टीथ कहाँ ब्रश करते हैं, तो बाथरूम में। ओके, ये हो गया आपकी फर्स्ट वर्कशीट हो गई, इसको आपको नोट डाउन करनी है अच्छी राइटिंग में और हमको होमवर्क में सेंड करना। चलिए आज के लिए तक काफी, आप इसको बार बार क्या करेंगे, रीड करेंगे और फिर लर्न करेंगे। चलिए।